आइए ब्रेक के बाद फिर आपका स्वागत है और बात करते हैं तुला राशि की। डायमंड, गोल्ड, सिल्वर, इन व्यापारियों को तो सुंदर योग बने हुए हैं, क्योंकि सीजन भी आया हुआ है। दशहरा चला गया, नवरात्रे चले गए, अब दिवाली का समय आ रहा है, धनतेरस आ रही है, तो व्यापार में वृद्धि के योग बने हुए हैं। कोई भी ठोस मेटल का काम करने वाले व्यापारी डेफिनेटली धन को प्राप्त करेंगे, मगर शनि की साढ़े सती लगी हुई है। किसी को उधार दे मत, किसी को इससे उधार ले मत। व्यापार में जितनी ज़रूरत है उतना करें, मगर कहीं ना कहीं PDC पोस्ट डेटेड चेक भी ले लें। स्त्रियों के लिए सुंदर समय, आज का बहुत ही प्यारा दिन है आपके लिए, इसलिए माता रानी की आराधना और साईं की आराधना, दोनों की आराधना आपके लिए शुभकारक होगी। आज का दिन 80% उत्तम तभरा दिखाई देता है, मैरून रंग का इस्तेमाल करें और आज का भाग्य अंक 7। अब आगे बढ़ते हुए बात करते हैं वृश्चिक राशि की। मंगल की राशि और शनिदेव का भ्रमण, मगर कहीं ना कहीं सदा दिन हो तना एक समाना, कुछ दिन थे जो खराब थे, मगर आज बहुत ही सुंदर दिन है। चारों दिशाओं से अच्छी खबरें आ सकती हैं। कहीं ना कहीं जिन बच्चों के आज जन्मदिन है उनके लिए तो बहुत ही सुंदर दिन है। माहौल पूरा सकारात्मक शाम के बाद होगा, 4 बजे के बाद। कहीं मनोरंजन, पार्टी, आयोजन, बड़ी संख्या में लोग आपको प्यार करने के लिए, बधाई देने के लिए आएंगे। वृश्चिक राशि वालों के लिए आज राजनीतिज्ञों के लिए उपलब्धियों का दिन है, नौकरी पेशा वालों के लिए भी उपलब्धियों का दिन है, इसलिए दिन की सार्थकता को और बढ़ाने के लिए साईं के चरणों में प्रणाम करके आगे बढ़ जाएंगे। कुल मिलाकर 80% उत्तम तभरा दिन। मैरून कलर का, लाल मैरून कलर का, जैसे मैंने जैकेट पहनी है उस कलर का इस्तेमाल कर लें और भाग्य अंक 8। तो आगे बढ़ते हुए धनु राशि की बात करते हैं। धनु राशि के स्वामी गुरु हैं और आज मेरे साईं गुरुदेव दत्त और गजानन भगवान का दिन है, तो अपने आप आपकी तरफ सकारात्मकता, पवित्रता, सुंदरता, अपने आप विचारों में सकारात्मकता आती हुई दिखाई देगी। थोड़ा जो चिड़चिड़े रहते थे आप, आज आपके लिए सुंदर दिन है और गुरु जो है आपकी राशि का स्वामी, वो सिंहस्थ हुआ हुआ है, इसलिए आपके बॉस से, आपके इलाके के MLA से, कॉरपोरेटर से आपको धन लाभ के सुंदर योग बन सकते हैं। कोई कार्य जो आपका रुका हुआ था वो मिल सकता है। कोर्ट केस जीतने के योग भी बनते हैं, तो पीले रंग का उपयोग करें और साथ में 9 नंबरों का उपयोग करें। आज का दिन 80% उत्तम था भरा। आगे बढ़ते हुए मकर राशि की बात करते हैं। मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। कहते हैं अगर मन के ऊपर आपने नियंत्रण कर लिया तो जीत निश्चित आपके पाँव में है, इसलिए आज का दिन अपने मन को कंट्रोल करें, रेस्टलेस को त्याग दें, समय आपके साथ है। व्यापारी वर्ग के लिए बहुत ही सुंदर समय, शेयर मार्केट में काम करने वालों के लिए तो और लाभ दिखाई देता है, वातावरण आगे बढ़कर पॉजिटिव होता हुआ दिखाई देता है। तो क्या करें, आज साईं का दिन है, साईं को प्रणाम कर लें आज, या फिर क्रोध के ऊपर नियंत्रण रखें। भगवान विष्णु का दिन भी आज ही का है, इसलिए बांसुरी जो है, एक अच्छी चांदी की बांसुरी लेकर भगवान कृष्ण के मंदिर में चढ़ा दें। मकर राशि वालों, आज का दिन 70% उत्तम तभरा दिखाई दे रहा है। ब्राउन कलर का इस्तेमाल और भाग्य अंक 9। अब आगे बढ़ते हुए बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों के लिए थोड़ा सा समय सुबह सुबह का जो है वो बहुत ही सुंदर दिखाई देता है, यानी 3 बजे तक कोई भी कार्य करें, उसके बाद एंजॉय करें, ज़्यादा टेंशन मत लें, चिंता मत करें। अगर शारीरिक तौर पर कोई बीमारी है तो उसको नियंत्रण करने के लिए कंसल्टेंट और किसी डॉक्टर की सलाह ले लें। पत्नी से व्यवहार जो है वो कतई आप जो है खराब मत करें। पत्नी से निष्ठुर मत हों और पत्नी को भी बोल दें कि आपसे निष्ठुर मत हों, नहीं तो समय की अनुकूलता प्रतिकूलता में बदल जाएगी। वैसे भी आज का दिन सोसो है। कुंभ राशि वालों, आज का दिन 50% मिश्रित फल लेकर आया हुआ है, नीले रंग का उपयोग और भाग्य अंक 1। अब आगे बढ़ते हुए आखिरी राशि की बात करते हैं। अब बात करते हैं मीन राशि की। माहौल में सकारात्मकता बनी हुई है, मंदिर की घंटियां बज रही हैं, घर में अगरबत्ती और भगवान की आरती हो रही है, समय की अनुकूलता बहुत ही सुंदर बनी हुई है। ऑफिस में भी कहीं ना कहीं माहौल
लाइन लगी हुई है लोगों की आपको मिलने के लिए, और नई नई डील्स हो रही हैं, नए नए कॉन्ट्रैक्ट साइन हो रहे हैं। तो क्या करें, काम कम करें और सकारात्मकता ज़्यादा रखें, अपने आप धन की वृद्धि होगी, माहौल में अपने आप तेजी आएगी। तो आज का दिन मीन राशि वालों के लिए 80% उत्तमता भरा, पीले रंग का और नीले रंग का उपयोग करें, और आज का भाग्य अंक है 12। तो ये थी आज गुरुवार के दिन 12 राशियां और उनका फलादेश। कल 30 तारीख है और स्त्रियों के लिए बहुत ही सुंदर दिन है। कल का दिन है करवा चौथ का दिन। करवा चौथ में कैसे पति की पूजा करें, क्योंकि कहीं ना कहीं करवा चौथ सुहागिन स्त्रियों के लिए, पति की लंबी आयु के लिए रखा जाता है। कल फिर आपके समक्ष में मार्गदर्शन के लिए हाजिर हूँगा। जय महाराष्ट्र पर, इसी समय इसी जगह। तब तक ओम साईनाथाय नमः।